अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे से कहा, हमें राजनीति में उतरना चाहिए। अन्ना ने कहा, राजनीति कीचड़ है। तो अरविंद ने कहा, कीचड़ में उतरकर ही कीचड़ की सफाई होती है। अन्ना ने कहा, नहीं उतर सकते, जिस सिस्टम को बदलने के लिए हम आए हैं उसमें नहीं जा सकते। अरविंद ने कहा, जाना पड़ेगा। अन्ना ने कहा, मैं नहीं आ सकता, तुम जाओ, मैं नहीं आ सकता। अरविंद ने कहा, ठीक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डी फोर देसी की खास वीडियो सीरीज गेम चेंजर। मैं हूं अमन व्यास। आज बात नरेंद्र मोदी को दिल्ली में शिकस्त देने वाले अरविंद केजरीवाल। 7 साल की राजनीति में अरविंद केजरीवाल ने जितनी राजनीति की, जितने सह और मात के गुण वे सीख गए, जितने जोड़ तोड़ में वे पारंगत हो गए, इतना तो कोई राजनेता 50 साल के करियर में भी नहीं हुआ होगा। 7 साल का सियासी करियर और उसमें 3 बार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। सोचिए, जिस कांग्रेस के साथ उन्होंने, जिस कांग्रेस के घोटालों की पोल खोलकर राजनीति में आए, उसी कांग्रेस के साथ उन्होंने गठबंधन कर सरकार बनाई, मुख्यमंत्री बने। हालांकि वह सरकार 50 दिन चली। अरविंद केजरीवाल जिन्होंने सत्ता में आने के बाद, राजनीति में आने के बाद अपने कई पुराने दोस्तों को घुमा दिया, छोड़ दिया, महत्वाकांक्षाओं के चलते हुए उन अरविंद केजरीवाल की कहानी कई मोड़ से होकर इस मील के पत्थर तक आती है। उन्हीं अरविंद केजरीवाल की कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ। उसको सुनने के लिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलना पड़ेगा, थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा हरियाणा के भिवानी शहर की शिवानी मंडी। 16 अगस्त 1968, हरियाणा के भिवानी का छोटा सा कस्बा शिवानी मंडी। शिवानी मंडी में गोविंद राम केजरीवाल के यहाँ एक बेटे का जन्म हुआ, जो अरविंद केजरीवाल साहब थे। अरविंद केजरीवाल जिस दिन हुए, उस दिन 1968 में जन्माष्टमी थी, इसलिए घर में उनको कृष्णा कृष्णा के नाम से प्यार से बुलाया जाता था। अरविंद केजरीवाल के बारे में उनके विद्यार्थी बताते हैं, परिवार बताता है, उनके टीचर्स बताते हैं कि वे सिंसियर थे, पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और बिना लाग लपेट के बातें करना उनका अंदाज था। अरविंद केजरीवाल के पिताजी जिंदल ग्रुप में असिस्टेंट इंजीनियर थे, इसलिए उनका ट्रांसफर हरियाणा के हिसार में हो गया और पूरा परिवार हिसार रहने के लिए आ गया, हिसार शिफ्ट हुआ। हिसार में ही दयानंद सरस्वती कॉलेज है, जहां से अरविंद केजरीवाल ने अपनी 12वीं तक की पढ़ाई की। उसके बाद उन्होंने IIT की प्रवेश परीक्षा दी, जिसमें उनका चयन हो गया। 1985 में IIT खड़गपुर में उनका चयन हुआ। 1989 में वे IIT खड़गपुर से IITian बनकर निकले। देश में ऐसा कहा जाता है कि 2 प्रकार के इंजीनियर होते हैं, एक वे जो IIT में पढ़ते हैं, एक वे जो IIT में पढ़ना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल प्रथम दर्जे के इंजीनियर, और इसका उन्हें फल भी मिला। 1989 में भारत की बहुत पुरानी कंपनी टाटा स्टील में उनकी नौकरी लगी। जमशेदपुर में उनकी नौकरी 1989 में लगी। 1989 में नौकरी करते करते ऐसा बताते हैं कि वे वहां की झुग्गी झोपड़ियों के बच्चों को भी पढ़ाने के लिए जाते थे खाली समय में। लेकिन इस नौकरी से उनका मन उबाऊ होने लगा, उनका वर्क सोशल वर्क के लिए उनका मन करने लगा, इसलिए 1990 में उन्होंने टाटा को टाटा कर दिया और इसके बाद वे चले गए तब की समाज सेविका में प्रमुख कही जाने वाली मदर टेरेसा के कोलकाता स्थित आश्रम। मदर टेरेसा के कोलकाता स्थित उनके आश्रम में रहकर वे उनकी और उनके सेवा करने लगे। मदर टेरेसा के और उनके प्रकल्पों पर भी ध्यान देने लगे। मदर टेरेसा के कहने पर ही वे 2 महीने कालीकट में रहे और वहां पर उनके बारे हुए अरविंद केजरीवाल ऐसा बताते हैं कि उनको सच्ची सेवा का अर्थ वहां पर 2 महीने में रहकर पता चला। बाद में उन्होंने देश की सबसे बड़ी परीक्षा
यूपीएससी में बैठने का निश्चित किया। आईएएस की परीक्षा में वे बैठे और आईआरएस बनकर वे निकले। आईआरएस बनने के बाद उनकी नौकरी असिस्टेंट इनकम टैक्स ऑफिसर के रूप में लगी और इसी नौकरी के चलते उन्हें नागपुर में ट्रेनिंग के लिए आना पड़ा। वहां पर ये आईआरएस थी, वे थी सुनीता जी। अब उनका सरनेम मेरे को पता नहीं है, पहले क्या था, पर अब केजरीवाल है। समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो सुनीता को केजरीवाल भैया दिल दे बैठे उस ट्रेनिंग के दौरान। और सुनीता बताती है कि बिना लाग लपोट लपेट के इस बंदे ने मेरे को प्रपोज कर दिया। प्रपोज कर दिया मुझसे एक शर्त रखता है, फिर तो पूछता है क्या तुम सोशल सर्विस में विश्वास रखती हो, तुम्हें इससे कोई ऐतराज तो नहीं है। सुनीता ने कहा मुझे इससे क्या ऐतराज, और उसे क्या पता था कि बंदा बाग में नौकरी छोड़ के दोनों की नौकरी छुड़वा के सिर्फ सोशल वर्क ही करवाएगा। सुनीता को प्रपोज कर दिया, सुनीता मान गई। बाद में माता पिता को उन्होंने फोन किया तो पिताजी कहते हैं कि मैंने भी एक इंटरव्यू लिया और मैंने इंटरव्यू में बहुत से पूछा, डू यू बिलीव इन गॉड, या तुम ईश्वर में विश्वास रखती हो। सुनीता ने कहा हाँ। ससुर जी ने भी पास कर दिया और इस प्रकार सुनीता केजरीवाल हो गई। पहले सुनीता क्या थी ये हमको पता नहीं है। अरविंद केजरीवाल के जीवन का यहाँ से नया प्रारंभ हुआ। एक वर्ष के बाद ही बेटी हर्षिता का उनसे जन्म हुआ। बात की इनकी व्यक्तिगत जीवन की अन्य कहानियां थी। तो 1994 में उनकी शादी हुई, बेटी हर्षिता का जन्म हुआ उनकी बेटी का। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल को सनक छुट्टी, तो उन्होंने 1995 के आसपास अपनी नौकरी से रिजाइन दे दिया। उन्हीं ने नहीं दिया, पत्नी सुनीता से भी दिलवा दिया। और हालांकि पत्नी सुनीता उनके बहुत समय बाद उन्होंने रिजाइन दिया, 6 महीने 1 साल के बाद। और अरविंद केजरीवाल ने एनजीओ परिवर्तन की शुरुआत की और वे आरटीआई के लिए लंबे समय तक सूचना का अधिकार, इसके लिए बहुत समय तक लड़ते रहे। बाद में दोनों ने मिलकर यही काम करना शुरू किया, एनजीओ के माध्यम से भ्रष्टाचार की पोल खोलना, करप्शन से केस लड़ना, इन विषयों पर। अब अरविंद केजरीवाल का राजनीति में आने से पहले उनके जो इंटरव्यू सुनेंगे तो वे बहुत अच्छी तरीके से शीला दीक्षित और कॉमनवेल्थ उसके घोटाले, टू जी स्पेक्ट्रम, कोई लाइन के बारे में बड़ी अच्छी अच्छी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा तार्किक बात उन्होंने बताई है। तो उन्होंने ये सारे काम परिवर्तन के माध्यम से बहुत लंबे समय से कर रहे थे। उन्हें एक मौका मिला अन्ना के आंदोलन के बाद, तो 2010 की बात है, ये काम करते करते 2010 का समय आ गया। और इसी के लिए अरविंद केजरीवाल को प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला। यही रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो इस वर्ष एनडीटीवी के रविश कुमार को मिला, और रविश कुमार के बाद ये रेमन मैग्सेसे समाज की दुनिया में आया। और पहली बार रेमन मैग्सेसे के कारण अरविंद केजरीवाल मीडिया की थोड़ी सी सुर्खियों में आए, हालांकि वे पूरी तरीके से नहीं आए, लेकिन 2011 के बाद का तो सारी दुनिया जानते हैं क्या हुआ, मैं बताता हूँ। तो एक गीत की पंक्तियां हैं, आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो, आन बान सान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, 5 अप्रैल 2011 दिल्ली का रामलीला मैदान, दिल्ली के रामलीला मैदान में पहली बार भूख हड़ताल पर बैठे रालेगण सिद्धि के अन्ना हजारे। और अन्ना हजारे की भूख हड़ताल जेपी के आंदोलन के बाद देश का सबसे बड़ा आंदोलन बन गया। यूपीए सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरा देश उठ खड़ा हुआ। अंडमान निकोबार सारे द्वीप समूह, सारे केंद्र शासित प्रदेश, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक, पूरा भारत एक आवाज में एक ही प्रकार की टोपी लगाकर हाथों में तिरंगा लिए बोल रहा था, मैं भी अन्ना तू भी अन्ना, सारा देश हुआ है अन्ना। और अन्ना के इस आंदोलन को पीछे से जो लीड कर रहे थे और जो धीरे धीरे मंच पर भी आकर अब सबके सामने आ रहे थे, वे थे अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल की पूरी टीम उसमें लगी हुई थी और वे लोग काम कर रहे थे। भूख हड़ताल ने यूपीए का सिंहासन डोला दिया और यूपीए की सरकार चरमराने की स्थिति में आ गई। और अरविंद केजरीवाल, चूंकि अन्ना हजारे
मंचों से अधिक नहीं बोलते थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल रामलीला के अन्ना के मंचों से सीधे शीला दीक्षित और अरुण जेटली जैसे सभी दलों के बड़े बड़े लोगों को ललकारने लगे राजनीतिक भाषा में, तो उन लोगों ने भी राजनीतिक भाषा में कह दिया कि दम है, अगर सिस्टम को बदलना चाहते हो तो सिस्टम में उतर कर देखो, हमारी चुनौती स्वीकार करो। अरविंद केजरीवाल ने चुनौती स्वीकार की। उन्होंने अन्ना हजारे से कहा कि हमें राजनीति में उतरना चाहिए। अन्ना हजारे ने कहा नहीं, अरविंद केजरीवाल ने उनकी एक भी नहीं सुनी। महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगी और अरविंद केजरीवाल यह कहने लगे कि कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में उतरना पड़ता है। और अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की 26 नवंबर 2012 को इंडिया अगेंस्ट करप्शन की कोर कमेटी की मीटिंग बुलाई, उसमें बहुमत से आम आदमी पार्टी बनाने का निश्चय किया गया। अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय संयोजक बने। अन्ना हजारे का आंदोलन एक राजनीतिक पार्टी के रूप में फलीभूत हुआ था। अन्ना हजारे से दुखी थे, आहत थे, उदास थे, मेरा लेकर सिद्धि चले गए, नेपथ्य में चले गए और अरविंद केजरीवाल आ गए मीडिया के कैमरों के सामने। नवंबर 2012 में आम आदमी पार्टी की स्थापना के बाद आम आदमी पार्टी ने अपना एक राजनीतिक पार्टियों से पूरी अलग तरीके से अपनी कार्य योजना प्रस्तुत की। उनके सारे निर्णय खुली सभाओं में होते थे, सबकी बात सुनी जाती थी, उसके बाद फैसला होता था। यह कार्यक्रम एक वर्ष तक चला। अब इंतजार था 2013 में दिल्ली के विधानसभा चुनाव का। विधानसभा चुनाव की बारी आई, आम आदमी पार्टी ने नया तरीका अपनाया। उन्होंने मोहल्ला समितियों में से चुने गए लोगों को उम्मीदवार बनाया विधानसभा के लिए। उनका ये स्थानीय प्रसिद्धि का फार्मूला काम कर गया और आम आदमी पार्टी को अपने पहले ही चुनाव में 70 में से 28 सीटें प्राप्त हुई। यह बहुमत के आंकड़े से दूर थी और पहली बार अरविंद केजरीवाल राजनीतिक हथखंडे अपनाते हुए दिखे। उन्होंने पहली बार अपनी बात से यूटर्न लिया कि जिस कांग्रेस के साथ उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी का शुरुआत की थी, उसी कांग्रेस के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई, फिर मुख्यमंत्री बने। बाद में जब लोकपाल बिल के ऊपर दोनों पार्टियों में घमासान हुआ और सरकार केवल 50 दिन चल पाई और उसे जैसे AK-47 करके नाम की एक रिवॉल्वर है, बंदूक है, वैसी ही AK-49 अरविंद केजरीवाल 50 दिन की सरकार चल पाई। अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया। अरविंद केजरीवाल को यह बात लगा कि मैंने ये गलत कर दिया, तो अरविंद केजरीवाल ने गली गली जा जाकर घर घर जाकर इसके लिए माफी मांगी। उसके बाद फिर चुनाव हुए नवंबर दिसंबर में और इस बार अरविंद केजरीवाल, मैं उस दिन महेश्वर में था एक कार्यक्रम में और उस कार्यक्रम में मेरे साथ कुछ लोग थे, तो उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने 67 सीटें जीती है, तो मैंने कहा ये कितनी पूरे दिल्ली में, बोले 70, और मैंने कहा ये क्या कर दिया भैया तुमने, तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी 70 में से 67 सीटें जीती, गजब ही जीती। तीन विधायक बीजेपी के आए, कांग्रेस का सपना साफ हो गया। तीन विधायक मतलब अगर पुलिस नाके पर ना खड़ी रहे कहीं पे भी, अलग विधायक उनको रोकती नहीं, मतलब तीनों टू व्हीलर से जाकर विधानसभा में जा सकते हैं, इन्हें लोग उनके बचाए। सोचिए ये अरविंद केजरीवाल ने कैसे करिश्मा किया होगा। एक बार और अरविंद केजरीवाल का सियासी पद सारी दुनिया के सामने आया जब उन्होंने विधानसभा चुनाव चल रहे थे दिल्ली के, तब उन्होंने ये ऐलान किया था कि मैं अपनी पार्टी लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। लेकिन 2014 में लोकसभा चुनाव आए तो अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की कि हमारी पार्टी पूरे देश में उम्मीदवार खड़े करेगी। यह उनका दूसरी बार राजनीतिक हथकंडा सामने आया। वे खुद भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े चेहरे नरेंद्र मोदी के विरुद्ध वाराणसी से खड़े हुए, हालांकि उनको जमानत बचाने के भी लाले पड़ गए, इतनी बुरी तरीके से हारे। ये दूसरी बार उनका राजनीतिक हथकंडा था। उसके बाद अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से सियासी हो गए, LG से घमासान, उसके बाद LG के घर जाकर ही धरने पे बैठ जाना,
और भी बहुत सारी बातें सरकार को, पुलिस को, गृह मंत्रालय को प्रताड़ित करते रहना कि हमें ये काम नहीं करने देते, हमें प्रताड़ित करते हैं, ऐसे सब आरोप लगाते रहना ये अरविंद केजरीवाल का सियासी होने का तीसरा सबूत। कुर्सी मिली, आम आदमी पार्टी सत्ता के शीर्ष पर दिल्ली में पहुंची और इसी के साथ प्रारंभ हो गया पार्टी में बगावतों का दौर। ऐसा कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल जिस लोकतंत्र के वाहवाही करते रहते हैं, जिस उसकी खुले मंचों से वो प्रशंसा करते रहते हैं, उसी लोकतंत्र की उन्होंने बंद कमरे में कई बार हत्या की है। अरविंद केजरीवाल और उनके चार पांच लोगों के आगे आप कुछ नहीं बोल सकते। पार्टी में अरविंद केजरीवाल ही सबसे प्रमुख है, उनके खिलाफ अगर आपने कुछ बोला, उनकी बात भी काटी, तो या तो आप बाहर निकलिए या क्षमा मांगिए। और इसी के कारण धीरे धीरे फाउंडर्स मेंबर संस्थापक सदस्य कम होते गए। उसमें सबसे पहले जिन लोगों ने बगावत की वे थे विनोद कुमार बिन्नी और साजिद में बाद में जाकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। उसके बाद तो बगावतों की जैसे झड़ी ही लग गई। फाउंडर मेंबर योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने बगावत कर दी, अब दोनों स्वराज पार्टी चलाते हैं। उसके बाद गुप्ता बंधुओं के आने पर, राज्यसभा में ना पहुंचाने पर टीवी पत्रकार से नेता बने। आशुतोष ने भी बगावत कर ली, उन्होंने भी पार्टी छोड़ ली। और कवि कुमार विश्वास बार बार बगावत करते रहते हैं, कहते रहते हैं कि उनके बिना इनके खिलाफ बोलेंगे तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल इससे डस से मत ना हुए। शायद अरविंद केजरीवाल अपने ऊंचा किसी को ना देखना चाहते हो अपनी पार्टी को, हो सकता है। किंतु अरविंद केजरीवाल का यह जीवन, यह पूरी यात्रा वास्तविकता में बहुत ही कठिन यात्रा है। वह कैसे ही अच्छी है, बुरी है, लेकिन इस यात्रा का अपना एक संघर्ष है और संघर्ष से आज जो प्राप्त हुआ है उन्हें, दूसरी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद यह नवनीत है। उस नवनीत को वो संभाल पाए तो अच्छा है, ना संभाल पाए तो वे उनकी वे जाने। लेकिन अरविंद केजरीवाल का जीवन राजनीतिक लोगों के लिए तो प्रेरणास्पद है ही कि कैसे हिंग लगे ना फिटकरी और रंग चोखा देव वाली बात है, तो कैसे कहां से उबर सकते हैं। आंदोलन से कुछ मुट्ठी भर लोगों को ही ऐसी राजनीति प्राप्त हुई है, कुर्सी प्राप्त हुई है। वैसे अरविंद केजरीवाल एक सौभाग्यशाली व्यक्ति है, उनकी यह पार्टी, उनकी यह 5 साल की सरकार और अच्छा काम करे, लोगों को विकास के मॉडल पर आगे बढ़ाती रहे, जातिवाद से ऊपर उठाकर, यही आशा है, विश्वास है। आप देखते रहिए D4 देसी, इसलिए सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारा पेज लाइक कीजिए, धन्यवाद। आन बान शान या की जान में का होता देखो आज मैं कहां जा रहा हूं।